और देखो वहाँ से वो लोग नीचे अभी आ रहे हैं, हमें अभी जाना है ऊपर। तो भैया 600 सीढ़ियाँ ही चढ़े हैं और हालत देख नहीं ना, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते, तो सच बा चलो बाय चलो भैया चलते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, चलो बाय चलो। हे यार, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मैं अभी हूँ सोमनाथ में, पीछे महादेव का मंदिर है। और अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे, क्योंकि अभी अपने को जाना है जूनागढ़। तो जूनागढ़ के लिए अभी ट्रेन कोई है नहीं, तो सोचे हम बस से ही निकल जाते हैं। और बाकी भाई लोग को काफ़ी मिस करने वाले हैं, आज पूरा दिन उन लोगों के साथ रहे थे। कभी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ऐसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लगता था कि बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते आ रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं बस स्टॉप। जूनागढ़ का बस स्टैंड, और अभी हम यहाँ से ऑटो लिए हैं, यहाँ से जाएंगे भवनाथ। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो यार हम सोमनाथ से पहुँच गए जूनागढ़ बस से, और जूनागढ़ से हमने 100 रुपया में एक ऑटो किया जो कि हमें छोड़ दिया भवनाथ। तो भवनाथ क्यों आए हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं, बट अभी थोड़ा आगे का नज़ारा आप देखो। और अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं भैया? तो देखो यार, गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भवनाथ एक अच्छा शहर है, छोटा सा है बट बहुत अच्छा शहर है, जहाँ से आप ट्रेकिंग करके मंदिर तक जा सकते हो, जो मंदिर गिरनार पर्वत पे है। भवनाथ से जहाँ से इसकी चढ़ाई स्टार्ट होती है, वहाँ से टेंपल तक जाने के लिए आपको 10,000 में मात्र एक सीढ़ियाँ कम, यानी कि 9,999 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। आप चाहे तो नीचे से रोपवे भी ले सकते हो, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है, वो है गिरनार का, बट अभी फ़िलहाल बरसात को लेके रोपवे बंद है। ऊपर का मौसम आप देख सकते हो, पूरा क्लाउडी हो रखा है, तो ऊपर चलेंगे तो और मज़ा आने वाला है। हम तो अभी 10 मिनट पहले स्टार्ट ही किए हैं सीढ़ी चढ़ना, तो हम 8:45 में स्टार्ट किए हैं चढ़ना, देखते हैं ऊपर कब तक पहुंच पाते हैं। चलो मुझे बस इन लोगों से बहुत डर लगता है। हाँ देखो ऊपर का नज़ारा देखो, पूरा एकदम क्लाउडी हो रखा है और यकीन नहीं हो रहा है कि हम गुजरात में हैं। तो अभी कुछ यहाँ पे दोस्त लोग मिल गए हैं, ये लोग भी ऊपर ही जा रहे हैं, और हम मात्र अभी वहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 600। तो भैया 600 सीढ़ियाँ ही चढ़े हैं और हालत देखो, लग रहा है 6,000 चढ़ के आए हैं। तो अभी सब लोग साथ में जाएंगे तो अब थोड़ी जर्नी अपनी अच्छी हो जाएगी। हाँ, और ये लोग देखो यार कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना वजन लेके चढ़ रहे हैं। हम लोग से तो ऐसे पैदल नहीं चला जा रहा है, कुछ भी नहीं है, जबकि फिर भी देखो थक गए। और ये लोग का फ्रेटिक्स है स्ट्रगल। हाँ अभी चलेंगे साथ में ही सब लोग,
बट अभी थोड़ा फर्स्ट स्टॉप लिया है यहाँ पे। हाँ, पहली बार रुके हैं, वो भी देखे भैया लोग रुके हुए थे, इसलिए हम भी रुक गए। अब साथ में चलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी ऊपर आप देख सकते हो मौसम पूरा क्लाउडी हो रखा है, काफ़ी अच्छा लगेगा, बट यहाँ से भी आपको दिखेगा नहीं। हम थोड़ा ऊपर चलेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अभी देखो हम सोच के आए थे कि 5000 सीढ़ियाँ चलेंगे और अम्बा जी के मंदिर से वापस आ जाएंगे, बट अभी कोई ठीक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। अपन पता ही है कितना बड़ा मूडी आदमी है, तो उसका भी कोई ठीक नहीं। बस आप वीडियो देखते रहो, जहाँ जाएंगे वहाँ तक आपको लेके चलेंगे। एक बार सारे लोग अपना नाम बता दीजिए ना। अच्छा रहेगा। हितेश। अजय। भैया का नाम है हितेश। आपका? अजय। आपका? विशाल। विशाल। अनिल। अनिल। महेश। मायूस। महेश। अच्छा, तो कहा क्या बोल? पीएसआई एग्जाम क्वालिफाई किया। अच्छा अच्छा, अभी थोड़े दिन तो हो, थोड़ा दिन में हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बात हाँ बहुत अच्छा है। कितने घंटे में आप लोग पहुंच जाते हैं ऊपर? किला कल लगता है चार घंटे में। हमसे भी तेज है। कितना है? 1100। अभी 1100 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़े हैं, बट व्यू यार काफी अच्छा है। एक्चुअली ये जूनागढ़ एक हिल स्टेशन ही बोल सकते हैं ना। गुजरात का सबसे ऊंचा है राजा कुमार पॉइंट, 1153 मीटर है। और नीचे भी ना, जूनागढ़ से आप भावनाथ आते हो तो नीचे भी बहुत सारे मंदिर है जिसका दर्शन आप कर सकते हो। एकदम ये होता है जैसे तीर्थ स्थल है ये। यहाँ नहीं आना, थक गया इसलिए बोल रहा है। ये भाई थक गया इतना जल्दी, अभी तो बहुत ऊपर जाना है हो जाएगा। हाँ, हिम्मत नहीं हारना है बस। ये व्यू देखो मस्त है, उससे भी ऊपर जाना है अपने को। और ये रोपवे जो गया है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, पूरा क्लाउडी है, मस्त है। ये रोपवे कितना मजबूत किया है। और रास्ते में से आपको छोटे दुकान से मिलते रहेंगे, तो यहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे हवाएं चल रही है ना, गर्मी लगने लगी थी, पसीना आ रहा है अब। सबसे पहले ये थक जाते हैं क्योंकि इनका वेट थोड़ा ज्यादा है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और सांसें तो चढ़ रही है, बट अभी बारिश होने लगी है, भीगते हुए जाएंगे। मजा तो आएगा, फोन का देखना पड़ेगा। हाँ, आपके पास बैग है ना, उसमें डाल दीजिए। हाँ, तो पूरा आके रुक सकते हो, थोड़ा आराम कर सकते हो, बट पूरा इधर कचरा फैला हुआ है यार। और यहाँ से व्यू देख सकते हो। अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, बट अच्छा लग रहा है, बारिश थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी पसीना आने लगा था हम लोग को, तो अभी बारिश से थोड़ी सब लोग यहाँ पे रुकेंगे अभी थोड़ा देर। चले चलो, धीरे धीरे चल जाएगा।
1800 हुआ अभी बस, बोले ना 2000 अभी नहीं हुआ है। अभी हम लोग मात्र 1800 सीढ़ियाँ चढ़े हैं और ये दुकान आप देख रहे हो ना, ऐसे दुकान आपको मिलते रहेंगे रास्ते में। हाँ, और ये व्यू देखो, ये 1800। देखो एक बात आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं कि अगर आप इधर आने का सोच रहे हो तो थोड़ा अच्छे से सोच लेना, क्योंकि ऊपर आना इतना आसान नहीं है। 10,000 सीढ़ियाँ मायने रखती है, हल्के में ना लो इसे। बाकी हम लोग देख रहे हैं, अभी 2000 जहाँ पे हो जाएगा ना, वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे 2000 पूरा हो गया अपना, अभी हम लोग 2000 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और अब सांसें चढ़ने लगे हैं काफ़ी, और अब लग रहा है कि हाँ। हम लोग पावागढ़ चले जाते थे ना, बैठे अब कहीं आगे दुकान पे बैठते हैं कुछ। इधर लिखा हुआ 2000। हाँ, पीछे भी था ना। इसमें थोड़ा बहुत चलता रहता है। मेरा बॉम माइक भी बढ़िया। अच्छा, ऊपर में कौन सा है? गुरु गुरु दत्तात्रेय ना, गुरु शिखर दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय सबसे ऊपर जो मंदिर है ना वो गुरु दत्तात्रेय का है। और 5000 सीढ़ियां जब आप चढ़ के जाओगे तो अंबा जी का मंदिर मिलेगा आपको, और रोपवे से जाओगे तो वहां तक ही छोड़ेगा वो आपको, अंबा जी के मंदिर तक, मतलब 5000 सीढ़ियां, उससे ऊपर आपको फिर से चढ़ना ही पड़ेगा। ओ भाई, मौसम बहुत अच्छा है इसीलिए हम लोग जा पा रहे हैं, अगर इतना क्लाउडी मौसम नहीं होता फिर हम लोग हिम्मत हार देते। हाँ, जब इतना मौसम ये है फिर भी हम लोग का पसीना आ रहा है ना। तो किधर गए? हाँ, मुझे तो उसी पे ध्यान रहता है। यहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिख रहा था। तो कुछ दिख भी नहीं रहा, पूरा क्लाउडी है। अब अभी यहाँ पर तमाड़ा माया यहाँ पे चाय होगा शायद। तो रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर भी मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। कौन सा वहाँ पे कोई गुफा लिखा हुआ है? बरथरी की गुफा। अच्छा, बंद है वो तो। और देखो वहां से वो लोग नीचे अभी आ रहे हैं, हमें अभी जाना है ऊपर। ये मौसम देखो यार, मुझे तो बस आप मजा ही है। देखो ऊपर आने से आपका बहुत सारा फायदा है, एक तो आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, और दूसरा क्या है कि आप दर्शन भी कर लेंगे, तो एक तो आपका भक्ति भी हो जाएगा, दूसरा आप
ज्यादा बारिश, ये नेचुरल ब्यूटी को भी देख सकते हैं। देखिए फोटो में मस्त है उसे।